दर्दे दिल दर्दे जिगर। ऐसी सिंपैथी भरी निगाहों से मुझे मत देखो यार, मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है। एक्चुअली में मेरे दिल और जिगर में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं टॉन्ट सुन सुन के तंग आ चुका था कि मैं मेरी तोंद फूलती जा रही है, और इसीलिए मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज मार ली और उसके बाद मेरे फेफड़े, लंग्स, लीवर अपनी डायरेक्शन से हिलते फिरते गए हैं। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि आज से तेल लेने गई एक्सरसाइज, हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ योगा। गाइस वेलकम टू क्लोज टॉक्स, और आज हम टॉक्स करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक, योगा। और इसके लिए मैं आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक सपना। ये एक ऐसा सपना है जिसके बहुत से अपने सपने हैं। सो गाइस ऑन दिस माय छोटा मोटा शो आई वेलकम मेरी दोस्त, मेरी बहुत ही बहुत प्यारी दोस्त सपना कनौजिया। ये एक योगा टीचर है, लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, फैशन इन्फ्लुएंसर है, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या यार, इसी से खुद ही पूछ लो यार। Hi guys, I'm Sapna and I'm a yoga instructor, fitness blogger, lifestyle influencer and last but not the least, yes, content writer too by profession. पहले तो मुझे ये बता यार, ये योगा को तूने अपना करियर क्यों बनाया? नहीं मतलब तूने सोचा कि हाथ पैर मोड़ के देखती हूँ, क्या पता कुछ हो जाए, नहीं हुआ तो घर पे बैठ जाऊंगी एक्चुअली ना। हो गया, चल बोल अब तू। देखा मैंने तुम्हें कहा ही था कि एक्चुअली में यही रीजन है। चल अच्छा सच सच वाला रीजन बता कि क्यों योगा को चूज किया तूने एज अ करियर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन चूज करूंगी, क्योंकि मैं जिम्नास्टिक्स में थी बचपन से ही, तो मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं अपने जिम्नास्टिक्स का जो हार्ड वर्क है, जो मैंने मेहनत की है, उसको अगर मैं किसी चीज में प्रैक्टिस कर सकती थी तो वो सिर्फ योगा था। इसीलिए आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड आई एम डूइंग योगा सिंस 5 ईयर्स। अच्छा मेरे को एक बात बता, कैसी फीलिंग आती है जब तुम ये हाथ पैर मोड़ ताड़ के कुछ अचीव करते हो? अच्छा कैसी फीलिंग आती है उस टाइम पे यार? इट फील्स सो गुड व्हेन यू प्रैक्टिस योगा, एंड इट फील ग्रेट व्हेन यू हेल्प पीपल विद योर लर्निंग विद योर प्रैक्टिस। तो मुझे लोगों की हेल्प करनी थी तो आई चूज दिस द वे। अच्छा वैसे बता, योगा का कोई पर्टिकुलर टाइम है क्या कि किसी भी टाइम पे शुरू हो जाऊं? मतलब सुबह, दिन, रात, जब मर्जी चलेगा? योगा प्रैक्टिस का ऐसा कोई स्पेसिफिक समय नहीं है जब आप योगा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप योगा प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद। पर बेस्ट टाइम, अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे इफेक्टिव टाइम कौन सा होता है योगा का, तो वो है मॉर्निंग वाला। है सुबह? हाँ मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की जल्दी ना उठने की परेशानी। मॉर्निंग में आपकी बॉडी, आपका जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी एकदम फ्रेश होती है और हमारा माइंड एकदम शांत होता है। उस टाइम पे हम फोकस कर सकते हैं जो हमें अपने लाइफ गोल्स हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, और योगा एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी और अपने माइंड को काम कर सकते हैं। और मैं इसीलिए मतलब मैं तो आई प्रेफर टू प्रैक्टिस योगा इन द मॉर्निंग। और मैं मानती हूँ कि आज के समय में कोई भी इतना बिजी नहीं है कि वो अपने लिए 1 घंटा ना निकाल पाए। 1 से आधा घंटा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ रहे हैं तो, और आप कहते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, हमें योगा से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा तो कंटिन्यू कीजिए। इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म इफेक्ट है और इसका आपको धीरे धीरे इसका असर पता लगेगा। अच्छा मेरे को ये बता, जैसे जिम बंद हो चुके हैं, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, खाना ठूसते फिर रहे हैं, तो इस टाइम पे तोंद लोगों की बाहर निकल रही है? हाँ मतलब कि तुम अपनी बात कर रहे हो है ना? हाँ मतलब मेरी भी, सबकी निकल रही है यार। तो इस टाइम पे हम योगा का कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस को इस टाइम पे थोड़ा और बेटर बनाने के लिए? कोई सॉल्यूशन देना प्लीज, ये भालू बनता फिर रहा हूँ मैं। हम सभी जानते हैं कि जिम वगैरह भी खुलने पॉसिबल नहीं है, और इस कोरोना के चलते तो अभी वैसे भी सेफ नहीं है कहीं भी जिम, किसी भी जिम जाना या कहीं भी प्रैक्टिस करना। तो इट्स बेटर कि आप योगा करें, अपने घर में ही करें। Thank you.
मैं तुम्हें साथ ही साथ आसन भी दिखा रहा हूँ जो सपना ने मुझे बताए हैं, जो तुम्हें भी करने चाहिए, बहुत हेल्पफुल होंगे। योगा हेल्थ के लिए बहुत ही सही है, वो अलग बात है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझसे नहीं सुबह सुबह उठा जाता यार, बट तुम लोग सीरियसली इसे ट्राई करना और देखो कि किस तरह वो करती है, और पोस्चर अपना बिल्कुल सही रखना तो जरूर तुम्हारी हेल्थ के लिए काम आएगा। अब जैसे न्यूज चैनल्स पे आ रहा है कि आप सीरियसली योगा करें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, तो क्या ये बात सच में लाइक इज इट ट्रू कि योगा से हमारी इम्यूनिटी एक अच्छे लेवल पे बढ़ सकती है और हम कोरोना के टाइम पे इसका थोड़ा फायदा उठा सकते हैं कि हम कोरोना जैसी बीमारी से थोड़े इम्यून रहे? जी रमन, बिल्कुल। ऐसे कोरोना के समय में हमें बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि क्योंकि हम इन सब चीज़ों की हमें आदत नहीं होती कि हमेशा हाथ धोते रहना, हमेशा हाथ सैनिटाइज करना, लोगों से दूर रहना। लेकिन हाँ, योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर सकते हैं ताकि अगर आपको ये बीमारी हो भी तो आप उसे बिना किसी प्रॉब्लम के इससे जल्दी अपने इम्यून सिस्टम की हेल्प से बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे योगा आसन ऐसे हैं जिनकी हेल्प से आप ना सिर्फ अपनी इम्यून सिस्टम बिल्डअप कर सकते हैं प्लस अपने माइंड और बॉडी को काम कर सकते हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन से। तो मैं कुछ आपको ऐसे आसन बताऊंगी जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी इम्यून सिस्टम को बिल्डअप कर सकते हैं ताकि अगर आपको ये बीमारी गलती से हो भी जाती है सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी तो भी आप इस चीज़ को रिकवर कर सकें। गैस के लिए भी कोई एक्सरसाइजेस हैं? जी रमन, ऐसे मैं भी फिट एंड फाइन हूँ, मुझे गैस नहीं होती, बट वो थोड़ा मैंने कहा पूछ ही लेते हैं, अच्छा रहेगा ना, पूछ लो तो तुम्हें भी हो सकती है ना। बड़े सारे लोग हैं जो इंडाइजेशन और एसिडिटी के प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं स्पेशली कोरोना के टाइम पे, जबकि हम लोग घर में ही है, कहीं आ जा नहीं सकते और घर का बना खाना खा रहे हैं, तीनों टाइम खा रहे हैं, ऑयली भी चल रहा है, साथ में जंक फूड भी चल रहा है। ज़्यादातर लोग खाना खा के तुरंत ही सोने चल जाते हैं या थोड़ा सा बॉडी को हिलाते डुलाते नहीं है, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उनमें देखी जाती है। और मैं प्रिफर करूँगी कि अगर आप अपना मील ले रहे हैं, चाहे वो मॉर्निंग वाली हो या आफ्टरनून वाली हो या डिनर हो, तो आप हमेशा अपनी बॉडी को थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए अप्रोच करें या वॉक कर लें डिनर के बाद या लंच के बाद, आप थोड़ा सा वॉक ज़रूर कर लें या थोड़े से योगा मूव्स कर ले।
अच्छा यार, अगर हमारी ऑडियंस को तू जरूर कुछ योगा के बारे में कहना चाहे ताकि वो थोड़े इंस्पायर हो इस चीज से, और अगर कुछ यू नो फिजिकल अपीयरेंस, मेंटली हमें योगा कैसे ठीक रखती है इस बारे में, तो अगर ऑडियंस से कुछ कहना चाहे तो प्लीज बोल। थैंक यू रमन। योगा ना सिर्फ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है बल्कि हमारी पूरी बॉडी की अपीयरेंस को बूस्टअप करता है। ये जो मेरे फेस पे आप ग्लो देख रहे हैं, रमन देख रहे हो? ये ग्लो, ये तो 25 साल से मेरे चेहरे पे नहीं है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर जब से मैं योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ आई फील सो गुड। मतलब योगा से मेरी पूरी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा इन्हांस हुई है कि आई कैन स्टैंड इन पब्लिक फियरलेसली। योगा ना सिर्फ हमें वेट लॉस के लिए हेल्प करता है बल्कि और भी बड़ी सारी बीमारियाँ जैसे कि थायराइड, आर्थराइटिस, डायबिटीज़ और इंडाइजेशन जैसी बड़ी सारी प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो आप योगा प्रैक्टिस करके उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के। तो आई रिकमेंड अगर आप योगा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपनी अपनी प्रॉब्लम अपनी योगा टीचर या अपने योगा इंस्ट्रक्टर को ज़रूर बताएं ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सके। आपकी वेट लॉस, आपकी और भी जो मेडिकल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, उसके लिए भी वो हेल्प कर सके। तो गाइज, ये थी सपना कनौजिया, मेरी दोस्त, योगा टीचर, फैशन इन्फ्लुएंसर, लाइफस्टाइल ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, पता नहीं क्या क्या। हम लोग देख लेना, आजकल सारे हैं, अगर फिर भी नहीं दिखे तो बैक जाओ, रिवाइंड करो और देख लो और कर लो योगा। मैं तो नहीं करने वाला, मुझसे नहीं होने वाली यार, सुबह नहीं उठ सकता मैं, औखा है मेरा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सपना ऑनलाइन क्लासेस भी देती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें करनी हो योगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आईडीज़ वगैरह, तो तुम कनेक्ट कर सकते हो। और आईडीज़ अगर देखनी है ना तो इंस्टाग्राम पे मेरे ये ऐड है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है। और अभी मैं चलता हूँ, एक अच्छा सा टॉपिक अगली बारी भी लेके आऊँगा, रोस्ट को अभी टाइम है, थोड़ा टाइम दो, बहुत औखा होता है यार बनाना वो गालियाँ लिखनी। तो उसके पहले इंजॉय मारो, योगा करो, मज़े मारो, जिंदगी जियो, पेट बढ़ाते रहो, मिल तरह ऐश करो, टाटा, बाय बाय।